और रूस यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ा दावा सामने आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 17 महीने की जंग में यूक्रेन को नेटो से मिले 30% हथियारों को तबाह कर डाला है। रूसी सेना यह भी दावा कर रही है कि बखमूत में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक एक घंटे में मारे गए हैं। रूस के दावों से हड़कंप मच गया है। अब ऐसे हालात में सवाल कई उठ रहे हैं, अगर यूक्रेन के पास मौजूद 30% हथियार तबाह हो चुके हैं तो फिर यूक्रेन रूस से जंग कैसे कर पाएगा। प्रतिशत हथियार तबाह, नेटो का यूक्रेन हार। रूस ने पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक 2 महीने बाद ही पुतिन के तूफानी हमलों के सामने जल कर राख होता जा रहा है। हालात ये हैं कि रूस ने 60 दिन के अंदर 50,000 के करीब यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा कर डाला है। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 8 शहरों पर रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों ने जेलेंस्की के शहरों का वजूद खत्म कर दिया है। दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 35% इलाके पर रूस की सेनाएं अंधाधुंध हमले कर रही हैं। हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि बखमूत में किस तरह से रूस की सेना ने यूक्रेन के 1000 सैनिकों को महज 1 घंटे के अंदर टैंकों के जबरदस्त हमले से भून डाला। बखमूत में दौड़ा दौड़ा कर मारे 1000 सैनिक। रूस के टैंक, रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों के सामने यूक्रेनी सेना टिक नहीं पा रही है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन को नेटो से मिले 30% घातक हथियारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जंग के मैदान में नेटो के लेपर्ड 2 टैंक जल रहे हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम को रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने तबाह कर दिया है। इस वक्त रूस के डोनेस, खेरसोन, खार्किव, सुमे, मिकोलाय, ज़ापोरिज़्या पर भयानक हमले किए हैं। रूस का साफ दावा है कि नेटो का जो भी भारी और घातक हथियार यूक्रेन इस्तेमाल करेगा, रूस सभी को तबाह कर देगा। जरा देखिए रूसी सेना में सेकेंड आर्मी के कोर कमांडर नेटो के हथियारों पर क्या दावा कर रहे हैं। यूक्रेन को जलाकर राख कर रहे हैं पुतिन। रूसी सेना में दूसरी कोर के कमांडर ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसके सैनिकों ने पुतिन की कसम को पूरा कर दिया है। पुतिन ने नेटो के हथियारों को तबाह और जलाने को बोला था। पुतिन ने यह भी बोला था कि पश्चिमी देशों के घातक हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर डालो और हमने नेटो के टैंक, तो रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को जला डाला है। रूसी सेना में दूसरी कोर के कमांडर ने दावा किया है कि अभी तक हम नेटो के 30% भारी हथियारों को जलाकर राख कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी धूल चटा दी है। बेहिसाब ताकत, एडवांस घातक हथियार और बड़ी सेना के दम पर फूलने वाला नेटो अब चकरा गया है। नेटो यूरोप और पश्चिमी देशों से मिले 20 लाख करोड़ के हथियारों को पुतिन की सेना ने वाकई में जलाकर 30% जंग यूक्रेन और नेटो से जीत ली है। हालात ये हैं कि बखमूत में एक बार फिर से रूस ने यूक्रेनी सेना को जलाकर मार डाला है। जरा ग्राफिक से रूसी सेना के इस दावे को समझने और परखने की आप भी कोशिश कीजिए। आखिर यूक्रेनी सेना के साथ रूस क्या कर रहा है। बखमूत में दौड़ा दौड़ा कर मारे 1000 सैनिक। रूस की सेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने एक बार फिर से बखमूत पर कब्जा करने आ रही यूक्रेनी सेना के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। खबर के मुताबिक यूक्रेनी सेना के 10,000 लड़ाकों ने रूसी सेना पर हमला किया ताकि बखमूत पर कब्जा किया जा सके, लेकिन रूसी सेना ने बखमूत के पास आ रही यूक्रेनी पलटन पर बड़ा हमला किया।
रूस के ड्रोन पायलट ने रूसी सेना को यूक्रेन सेना की सटीक लोकेशन देकर रूस की टैंक रॉकेट आर्मी का काम आसान कर दिया है। रूस के टैंक और रॉकेट के भयानक हमलों से यूक्रेनी सैनिक जंगल में भाग गए, लेकिन रूस के ड्रोन ने वहां भी यूक्रेनी सेना का पीछा नहीं छोड़ा और उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी दोबारा रूस के टैंक और रॉकेट आर्मी को दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने जंगल में यूक्रेनी सैनिकों पर ऐसा प्रचंड हमला किया है कि एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। रूस के दावों के मुताबिक उसने महज एक घंटे के अंदर बखमूत के जंगलों में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। По отдельным параметрам превзошли, или точнее перекрыли уже задания этого года. Исходя из этого, необходимо сформулировать наши задачи на оставшиеся. यूक्रेन को जलाकर राख कर रहे हैं पुत्र। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस की फायर पावर को देखकर हैरान हैं। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सेना को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मिक रयान ने यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। रिटायर्ड जनरल मिक रयान ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर 5-फ्रंट वॉर शुरू कर दिया है, यानी यूक्रेन के ऊपर 5 मोर्चों पर एक साथ हमला। जरा देखिए कैसे। अब तो ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मिक रयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं, और अगर पीछे हट रहे हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। Запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности. लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 जून से लेकर अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या में एक भी बड़ा मोर्चा नहीं जीत पाया है। महज छोटे छोटे मिलाकर 8 गांव पर यूक्रेन कब्जे का दावा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जंग में यूक्रेन जीत नहीं रहा बल्कि हार की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वी यूक्रेन में जंग जीत रहे हैं और रूस के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। Рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким.